हाय देव, मैं हूँ आपके साथ आज ये रंजन। और आज अपने किचन गार्डन में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है स्पिनच यानी देसी पालक। ये लगभग 1-1.5 महीना पहले लगाई गई थी, और क्योंकि मैंने पहली दफ़ा लगाई थी, ये ग्रो बैग्स हैं 15x6 इंच के, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, कुछ ज़्यादा सीड्स डाल दिए, तो पालक उगी तो बहुत अच्छी, लेकिन उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टंटेड थी, थोड़ी कम थी। तो कोई बात नहीं, व्हाट वी कैन डू इज इसमें से कुछ एक प्लांट्स मैंने आज निकाले हैं और कुछ रूट से निकाल दिए ताकि बाकी प्लांट्स को जगह मिले। और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे ये प्लांट्स और बढ़ेंगे तो आप इसमें से जिस तरह से भी आपको चाहिए अपने यूज के लिए आप पालक निकालिए, और फिर ये फिर से ग्रो करेंगे तो आप पूरे सीजन में 2-3 दफा इसको ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, ये देसी पालक स्पिनच है, पूरी एक प्लेट भर के मैंने ये प्रोड्यूस यहाँ से लिया है, और साथ में ही थोड़ा कोरिएंडर है, धनिया, ये भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया था इसीलिए मुझे रूट्स के साथ निकालना पड़ा ताकि बाकी जो धनिया लगा हुआ है वो और भी अच्छा हो जाए। तो आज की ये पालक है, अब इसका आप मुझे बताइए क्या किया जाए, या तो इसके पालक के पकोड़े बने, या फिर इसके साथ साग बने, पालक के साथ पनीर बने, आप नॉर्मली कैसे खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। और आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिलहाल आज इस प्रोड्यूस को हम एंजॉय करेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हार्वेस्टेड, इतनी स्पिनच मैंने निकाली है, और आगे देखेंगे किस तरह से रहती है इसकी ग्रोथ। आई एम होपफुल कि ग्रोथ थोड़ी अच्छी ही होगी। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय।